हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, टॉपिक है क्या गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास बहुत जल्द। ठीक है, बहुत जल्द का मतलब है कि विद इन 7 डेज़ क्या गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आने वाले 7 दिनों में क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, तो मैं इस पर रीडिंग करने वाली हूँ और क्या चेंजेस भी आ सकते हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपकी एनर्जी डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। ठीक है, देन मैं बताऊंगी कि क्या गुड न्यूज़ विद इन 7 डेज़ में आप तक पहुँच पाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी को बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग ये टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचते हैं इस रीडिंग तक, तो उस दिन से ठीक नेक्स्ट 7 डेज के लिए प्रेडिक्शन है। देख लेते हैं सबसे पहले तो आपकी एनर्जी क्या है राइट नाउ। 7 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोल्स, ओके, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, ये आपकी एनर्जी आई है अभी। गाइज, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहली बात है राइट नाउ आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो और एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड आप बार बार टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो, सेम क्वेश्चन के लिए बार बार अलग अलग टैरो कार्ड रीडिंग्स भी देख रहे हो, क्योंकि अभी आप कंफ्यूजन में हो। कुछ ना कुछ पजल सा बन गया है आपके लिए, कोई एक कॉन्सेप्ट जो सॉल्व नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपको खुद पर डाउट हो रहा है, पता नहीं आप इन चीज़ों को अचीव कर पाओगे या नहीं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आपको खुद पर भी डाउट हो रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड आप हो रहे हैं राइट नाउ। बहुत पजल सिचुएशन बना ली है आपने खुद के लिए, और जिसकी वजह से हो सकता है कि नाउडेज आपका कंसंट्रेशन भी नहीं लग पा रहा है काम पर ठीक तरीके से, और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं आपके काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपकी ना पोजीशन जो भी है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे दिख रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब कर ली है आपने, मतलब जो रिदम से काम कर रहे थे वो बिगड़ गया है। गाइज, ये कुछ किसी भी तरीके से हो सकता है, इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आ गए आपके पास। ठीक है, और देखो अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो मुझे भी अभी हेल्थ इश्यूज़ हुए थे और मैं जिस रिदम से काम कर पा रही थी वैसे नहीं कर पा रही हूँ अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं खुद को तो ब्लेम करूँगी नहीं, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, स्वस्थ रहेंगे तो कभी ना कभी बीमार भी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो एक साइकिल है जो चलती ही रहेगी, जैसे सुख आता है तो दुख आता है, ऐसे ही होता है, तो इस पर ब्लेम नहीं करना किसी को भी। बस ये है कि अब जो चीज़ें खराब हो गई है, वो चाहे किसी भी वजह से खराब हुई हो, उसे हमें ठीक करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है और जो कन्फ्यूज़न आपने जो इतनी सारी क्रिएट कर ली है इसको भी क्लियर करना है। ठीक है, इसको भी आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचना है कि आपको एग्जैक्ट क्या करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं हुई है, आप क्या हो रहा है ना, अभी आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो या फिर बहुत सारे टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। सबसे पहले तो गाइस, खुद पे ट्रस्ट करना सीखिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए आप, और अगर आपका मन कहता है ना कि आप कर सकते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस बनाइए, जैसे पहले काम कर रहे थे वैसा ही एक प्लान बनाइए, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एक बेटर प्लान हमेशा हमेशा वर्क करता है। अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है और आप उसे फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें टाइम पर भी पूरी हो जाएगी और आपको एक अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो एक गुड प्लान हमेशा आपके पास होना चाहिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। खुद पे ट्रस्ट करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, देन आपको एक प्लान बनाना है, देन उसे फॉलो करना है, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल कर आएंगे। राइट नाउ यू हैव योर गुड लक, ठीक है, आपके पास आपका गुड लक भी है और आपको फील भी होता है कि यस, आपके पास गुड लक है, आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और आपके पास इनफ कॉन्फिडेंस भी है कि आप कर सकते हो। भले ही आप अभी आप पजल्ड हैं, बट ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आप बिल्कुल गिव अप वाली पोजीशन पर आ गए हो, नो ऐसा नहीं है, थोड़े टेंस्ड हो बट स्टिल
देखो ना, यू हैव करेज, यू हैव लॉट ऑफ पैशन टू डू योर वर्क. ये मुझे दिख रहा है आपकी पर्सनैलिटी से कि आप बहुत यू नो बहुत एक्साइटेड हो अपने काम को पूरा करने में. भले ही थोड़ी परेशानियाँ आपके रास्ते में आ जाती है, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो. दिस इज़ द मेन पॉइंट. तो यहाँ पर जितना मैं देख पा रही हूँ, अभी आप अपने वर्क एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा पजल्ड हैं और उस रिदम से काम नहीं कर पा रहे हो जैसे पहले कर रहे थे. ठीक है, सबसे पहले गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्लियर होना आपके लिए. जो कन्फ्यूज़न आपके लाइफ में आ गई है, इसे क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्लान बनाइए. और सबसे पहली बात है खुद पर कॉन्फिडेंस. ठीक है, देन एक प्लान और फिर उसको फॉलो करना है, दैट्स ऑल. तो गाइज ये कुछ आपकी एनर्जी है. अच्छा, अभी थोड़ा सा आप अपनी लव लाइफ से भी डिस्टर्ब हो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है. डिस्टर्ब हो, ऐसा नहीं कह रही मैं गिव अप कर दिया आपने, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, थोड़ा सा आपको ना आपके, मैंने कहा ही था आपको, अगर आपको याद है मैंने रीडिंग में अभी कुछ टाइम पहले, शायद 2-3 दिन पहले मैंने रीडिंग की थी, मैंने वहाँ कहा था कि आपके पार्टनर के साथ आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन अगर बना हुआ है तो वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा, बंद हो जाएगा. ठीक है, और आपके पार्टनर एक तरीके से डिसअपेयर हो जाएंगे, डिसकनेक्ट हो जाएंगे. और आपको भी कोई जो साइन और नंबर पैटर्न्स वो जो सेंड कर रहे थे अपनी वाइब्स के थ्रू, वो भी आना बंद हो जाएगा. तो इसीलिए भी हो सकता है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप पजल्ड हो रहे हैं. तो ये चीज़ नहीं करनी है. कितनी बार ऐसा हुआ है, अगर आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टनर कुछ टाइम के लिए यू नो रेस्ट पोजीशन पर चले जाते हैं, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं. ठीक है, तो अभी ना ये इसलिए भी ऐसे होता है गाइस, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि वो आपको जज करें. ठीक है, लाइक आप पैनिक तो नहीं हो रहे सिचुएशन को देखकर, आप घबरा तो नहीं रहे, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, आप कितना अपने अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आए हो कि आपको चीज़ें डिस्टर्ब ना करें. ये तो आपके टेस्ट होते हैं. इसी में अगर आप वीक पड़ जाओगे तो फिर जजमेंट तो डिवाइन जो देंगे, फिर उससे आपके जो भी टारगेट्स हैं जो अचीव करना है आपको, उसमें डिले बढ़ता रहेगा. इसीलिए डे बाय डे खुद को स्ट्रांग करो. ये जो अटैचमेंट की जो बीमारी लगा ली है कि अगर पार्टनर की तरफ से कोई साइन नंबर पैटर्न मिलेगा तो ही खुशी मिलेगी, नहीं, ऐसे नहीं. आपको डिपेंड होना ही नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है. ठीक है, देन सब आपके पास आएगा. तो ये कुछ सिचुएशन दिख रही है मुझे आपकी. अगर यहाँ तक रीडिंग मैच हो गई है तो आगे बढ़ना. ओके, मैं साइकिक टैरो से पता लगाऊंगी कि क्या गुड न्यूज आ रही है अब आपके पास नेक्स्ट 7 डेज में. ओके, चूज वाइजली 7 ऑफ कप्स का कार्ड था और 7 ऑफ कप्स ही यहाँ पर दोबारे से आ गया है, लेकिन इस टाइम डिफरेंट मैसेज लेकर आया है कि चूज वाइजली. आपको बहुत वाइजली कुछ ऑप्शन चूज करने हैं अपने लिए. हो सकता है नई डायरेक्शन चूज करनी है, हो सकता है सोचने का तरीका बदलना है, हो सकता है जो प्लान फॉलो कर रहे थे वो वर्क नहीं कर रहा तो नया प्लान बनाने की जरूरत है. बट पजल नहीं होना, ठीक है, डिसेप्शन एंड इनवे. यहाँ पर 777 एंजल नंबर भी आ गया है फिलहाल, 777 डिसेप्शन एंड इनवे. गाइज आपको ना देखो, अब बहुत चीज़ें आपके सामने हैं, आपको समझ आती है बातें, लोगों के चेहरे समझ में आ गए हैं, बहुत हद तक पता लग गया है जो आपके यू नो आसपास जो भी पीपल हैं, आपको पता है उनके बारे में कैसी इंटेंशन रख रहे हैं आपके लिए. आपको लोगों के ट्रू कलर समझ में आ रहे हैं, दिख रहा है आपको. ठीक है, तो अब क्यों पजल हो रहे हो, अब तो आपको अच्छे से एक्शन लेना है. ठीक है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है ताकि आपकी लाइफ में हर चीज़ क्लियर होते चले. किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, किसको इग्नोर करना है, किसको किस पर रिएक्ट करना है, ये सब समझ के चलो. क्योंकि हो सकता है कि ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ये आपके आसपास के लोगों की तरफ से भी आ रहे हों और जिसकी वजह से आपके काम खराब हो रहे हैं. ठीक है, आपके गुड लक्स आते हो, जो गुड लक जो आपके लिए बना है वो आने में देर हो रही है. ठीक है, तो इसलिए जो भी स्टेप लेना है अब गाइज बहुत सोच समझ कर आपको लेना पड़ेगा. आपको अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करनी है, आपको अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना और आपको अपना काम भी पूरा प्रॉपर बैलेंस के साथ करना है. ठीक है, कर लोगे आप, डोंट वरी, गुड लक है आपके साथ और आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, आप पैशनेट हैं अपने काम के लिए. वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, बट दिस कार्ड ये रिवर्स में आया तो मैं इसको रिवर्स में ही लूँगी. गाइज ये कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है आपके पास टाइम नहीं है सेलिब्रेशन करने का.
ठीक है, या कोई ट्रिप करने का, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने ना अभी ये टाइम बनाया ही नहीं है आपके लिए। अभी आपको काफ़ी काम करना है, अपनी लाइफ के अनसॉल्व पैटर्न सॉल्व करने हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रूव करके दिखानी है डिवाइन को, खुद को, ठीक है। तो अभी तो सेलिब्रेशन नहीं आ सकता, तो सेलिब्रेशन तो कोई गुड लक नहीं है आपके लिए। और हो सकता है कि अभी कोई ऐसे फंक्शंस भी नहीं आ रहे जो आप सेलिब्रेट कर सकें, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि कोई ट्रिप वगैरह बना लूं तो उसके भी चांसेस अभी दिख नहीं रहे हैं फिलहाल तो शेडो, बिकॉज यू नीड टू डू मोर इनर वर्क। जानना है आपको खुद को डीप तरीके से, कौन है आप, किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या करना है आपको। लेट्स सी मोर, ये तो पता लग रहा है कि जो चीज़ें आपको करनी है और क्या आपके पास नहीं आ रहा है फिलहाल। कोई सेलिब्रेशन नहीं आ रहा, कोई भी यू नो ट्रिप नहीं कर सकते आप, और इवन आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क भी करने की ज़रूरत है, और एक्शन बहुत सोच समझ कर लेना है, किस पर कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, ये सब बहुत सोच समझ कर चलना है आपको। थर्ड आई चाक्रा आपका ओपन होगा, थर्ड आई चाक्रा, काफ़ी रियलिटी समझ में आने वाली है आपको। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नंबर टू, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ओके। वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ओके। टेम्पटेशन, पेशेंस एंड प्लानिंग, और देखो विजडम का भी कार्ड है यहाँ पर। देन बहुत दूर में जाके लव बिगेन्स का कार्ड आया है, जो कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। मतलब लव लाइफ तो अभी कोसों कोसों दूर है, अभी यहाँ पर कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, बिकॉज अभी आपके सामने इतना सारा, एक तरीके से खिचड़ी बोल लीजिए, जो फैली हुई है और आपको उसको ठीक करना है। मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपको काफ़ी हीलिंग करनी है अपनी, और काफ़ी चीज़ों को रियलाइज करना है, खुद को पहचानना है, ठीक है। थर्ड आई चाक्रा आपका ओपन होगा। देखिए गाइस, आने वाले 7 दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपका मेंटल कन्फ्लिक्ट थोड़ा कम हो जाए। ये जो टेंशन है, जो आप इतने परेशान हो रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, किस तरह से करूं, ठीक है, ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं क्या देख रही हूँ, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है आने वाले 7 दिनों में ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी आप फेस कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिले, थोड़ा हद तक ये ठीक हो जाए, ठीक है। पूरी तरीके से तो नहीं कह सकती, लेकिन यस, हाँ, काफ़ी हद तक आप इसको ठीक कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ भी दिख रही है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। कुछ के लिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी किसी कोर्स में इन्वॉल्व है, तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलने के चांसेस हैं नेक्स्ट 7 डेज में, और ये भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं, या फिर आप किसी कंपनी आप स्विच करने वाले हैं, और जहाँ भी जाओगे वहाँ अच्छा पैकेज भी मिलेगा आपको, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपके मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हैं। सपोज दैट अभी आप 20-22 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, आने वाले टाइम में हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, या आप कंपनी स्विच कर जाए, तो आपको 30-35-40 हज़ार तक आपकी सैलरी हो जाए, ठीक है, ऐसा मुझको यहाँ दिख रहा है। और यस, चांसेस आ रहे हैं, आप विजडम गेन करेंगे, आपके पास बेटर प्लान होगा, और यू नो काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो, आपके अंदर एक जुनून है, जो जो चीज़ें आपने ठान ली है वो आपको पूरी करनी है। बट स्टिल ना, डिवाइन तो आपको यही कह रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, थोड़ा सा पेशेंस लें, बिकॉज डिवाइन भी आपके लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनकी प्लानिंग पर भी थोड़ा सा भरोसा रखें। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में, अरे इतना सा अभी इम्प्रूव कर लिया, चलो ट्राई करते हैं, एग्जाम फेल कर देते हैं, नो, ऐसे नहीं करना। जब तक प्रॉपर कॉन्फिडेंस आप में नहीं आ जाता, तब तक नहीं करना, ठीक है। मान लिया कि आपके पास गुड लक है और आप अचीव भी कर लोगे, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को पूरे तरीके से गाइड कर लें, ठीक है, विजडम गेन करें, नॉलेज गेन करें, देन आप आगे का स्टेप लें। तो ये 7 डेज बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं, स्पेशली इन योर वर्क एरिया। और जब तक वर्क एरिया नहीं बैलेंस होता, तो लव की तो मैं कुछ नहीं कह सकती अभी। अभी लव लाइफ है भी काफ़ी कोसों दूर आपसे, अभी ये रियल लाइफ अभी रेस्ट पर है, और आपके लिए जो एक्टिव एक जो जोन है वो है आपका वर्क एरिया, आपकी स्टडी, इस पर अभी काम कीजिए। अभी अभी लव लाइफ को टेंशन लो ही मत गाइस, बिल्कुल भी टेंशन मत लो लव लाइफ के लिए, ठीक है। आराम से बिंदास होके अपने काम कीजिए, सही समय पर हर चीज़ अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको बहुत ज़्यादा फोकस लगाना है अपने मनी पर, बिकॉज आप क्राइसिस फेस कर रहे हैं,
ठीक है, और ऊपर से पजल है, तो इस ये हफ्ता आपको आपका मेंटल कन्फ्लिक्ट भी दूर करेगा, ठीक है, और आपको खुद को और आप डीप तरीके से पहचान पाएंगे और रिवॉर्ड आपके पास आएगा। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट भी हुई हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।